प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड रुस्लान. हम दोनों ने सुमित के साथ काफ़ी काम किया है, पर्सनली इज बीन अ फ्रेंड. पर आज जो पिछले एक साल से मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो कि काफ़ी रॉ डांसर्स थे, भारत के अलग अलग शहरों से आए थे, उन सबको एक जगह पर लाकर उन्हें ठहराना, उन्हें अलग अलग ट्रेनर्स से ट्रेन कराना, अलग अलग स्टाइल सिखाना, एंड आज उनका ग्रेजुएशन भी था. पूरा जो एक साल का सफर था वो आज सेलिब्रेट हो रहा था, एंड वे सो ग्रेटफुल दैट हम दोनों को इसमें शामिल किया. एंड इट्स बीन ह्यूजली इनकरेजिंग, क्योंकि मैं और रुस्लान एक साथ बहुत सालों से डांस सीखने की कोशिश कर रहे हैं. एंड एवरी टाइम वी सी गुड डांसर्स वी फील कंफर्टेबल अबाउट आवरसेल्व्स एंड वी आल्सो गेट अ लिटिल इंस्पायर्ड कि अगली बार बेटर करेंगे. तो आई थिंक आज एक और वैसा मौका था हम दोनों के लिए. वेल, डीईपी का फुल फॉर्म है डांस एजुकेशन प्रोग्राम. इस प्रोग्राम का नाम मैंने डांस एजुकेशन प्रोग्राम इसके लिए रखा बिकॉज मुझे डांस की परिभाषा एक्चुअली लोगों तक पहुंचानी थी. बहुत लोगों के लिए डांस इज़ जस्ट मूवमेंट, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डांस. ओके, व्हेन यू मूव यू मीन यूर डांसिंग, बट डांस भी एक एजुकेशन है जहाँ पे आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ता है. बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होता है. कुछ चीज़ें करके आपको इंजरी हो सकती है, तो वो अवॉइड करने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए वो आपको जानना ज़रूरी है. जब आप परफॉर्म करते हो तो आपकी बॉडी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपके स्टांस कैसे होने चाहिए, ये सब चीज़ें एक परफेक्ट डांसर का जानना बहुत ज़रूरी है. जो मैं ऑब्जर्व करता था, बिकॉज आई हैव बीन प्रिविलेज्ड कि मैं टेक्निकली ट्रेंड होकर आया विद इन इंडिया और इन न्यूयॉर्क फॉर दैट मैटर, मुझे ये सब चीज़ें सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली. बट आई वॉज नॉट दैट लकी इनफ कि मुझे कोई स्कॉलरशिप मिले. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर पाऊँ तो मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मेरे पास लोग डायरेक्टली ऐसे आ जाएंगे. सो मैंने इसके लिए एक ज़रिया सोचा कि एक डांस सोसाइटी को गिव बैक कर सकें और मुझे टेक्निकली ट्रेन डांसर मिल पाए, इसके लिए एक डांस एजुकेशन प्रोग्राम फॉर्म करना चाहिए. जो मैंने फर्स्ट बैच फॉर्म करने का कोशिश किया, लकीली ये फर्स्ट बैच बहुत सक्सेसफुल रहा, एंड वेरी सून इसका दूसरा बैच भी स्टार्ट होगा. नेक्स्ट बैच में हमने जो इन एक साल में काफ़ी चीज़ें सीखी है, समझी है, उसको ये जहाँ पे उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाया जाए या उनकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से की जाए जहाँ पर यू नो हमारे सोसाइटी में की जाती है. सो अगर मैं उन्हें डांस सिखा रहा हूँ और अगर मुझे उन्हें जॉब देना है इस शहर में या उन्हें अपना खुद का जॉब ढूंढना है, और अगर उनके पास ये सबसे बड़ा बैरियर है जो लैंग्वेज, स्पेशली मुंबई में आप जानते हैं, आप किसी स्कूल में चले जाओ, आप किसी कॉलेज में चले जाओ, अगर आप एक टीचर हो और आप ठीक से कमांड नहीं कर सकते, आप ठीक से बोल नहीं सकते, अगर आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, इवन इफ आपके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये इंग्लिश मीडियम स्कूल की फर्स्ट क्राइटेरिया है. सो इस वजह से उनके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए, उन्हें लोगों के सामने किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करनी चाहिए, उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया. फर्स्ट बैच कंप्लीट हो चुका है, तो इनका आगे अभी क्या प्रोसेस क्या रहेगा? फर्स्ट बैच में से कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हमारी कंपनी ने जॉब दे दिया है, उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं. अब ये ग्रेजुएशन तो ऑब्वियसली फिर वो परमानेंटली मेरे पास काम करेंगे. डांसिंग की बचपन की मेमोरी, मुझे तो ये एक चीज़ याद है कि जब मैं छोटा था तो जो हमारी फैमिली पार्टीज होती थी उसमें मेरे मॉम डैड के काफ़ी दोस्त थे, उनके बच्चे, मतलब बच्चे आज के एक्टर्स हैं, और जो मेरी जो फैमिली सर्कल थी वो एक्टर्स से भरी हुई थी, तो उनके बच्चे भी बचपन से ही एक्टिंग करना चाहते थे. तो बहुत एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट जब हम छोटे थे तो वो पार्टी रोक देते थे, और एक जो हमारा बेटा था तो बोलते थे कि बेटा परफॉर्म करो, तो सब बच्चे परफॉर्म करते थे, सिर्फ मैं परफॉर्म नहीं करता था क्योंकि मैं डरता था, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, एंड आई यूज़ टू ऑलवेज बी बिहाइंड. फिर सालों बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग करूँगा तो आई लर्न, और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि टीचर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. कुछ लोग नेचुरल होते हैं, वो बचपन से ही एक्टिंग कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे, उनको एक पुश की ज़रूरत होती है. एंड जो बचपन का था वो तो मैं डांस ही नहीं करता था, अब एटलीस्ट अगर कोई बोल दे कि डांस करके कुछ दिखा तो मैं उतना तो कर सकता हूँ. आई थिंक डांस इज बीन वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ अस. कहीं ना कहीं हमें अपनी जिंदगी के जो लाइफ पार्टनर्स है दोनों डांस क्लास में मिले हैं. दोनों एक ही डांस क्लास में मिले हैं. वो बचपन की बात नहीं है, बट वो जवानी की बात है. वो हमारा बचपन, अभी भी हमारा बचपन ही चल रहा है. तो आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव ग्रोन अप डांसिंग एंड वी लव डांसिंग, एंड जब भी सुमित बुलाता है फॉर द इवेंट्स ही डज, वी आर ऑलवेज रेडी टू लर्न मोर एंड डांस फॉर हिम. एंड जब टीवी शोज करते हैं, फिल्में करते हैं, आई थिंक डांस हमारे कल्चर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि कहीं ना कहीं काम आता ही है. तो आई एम ग्लैड दैट वी
invested some time to learn whatever we did. Right, true. And true. Maybe if we get some more time in our lives, we'll join the DEP. We she dance. तूने मुझे बता दिया, मुझे बहुत जरूरत है. Thank you guys. Thank you. Big Boss में सीजन है सर, विकास गुप्ता और हिना आपके फ्रेंड्स है वहाँ पे, काफी हलचल मची हुई बिग बॉस में, घर में देखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? रुस्लान का फेवरेट शो है बिग बॉस. एक्चुअली ऑनेस्टली मेरे घर पे कोई बिग बॉस देखता नहीं है, तो मैं ऑडियंस तो हूँ नहीं बिग बॉस का, बट मैं जब भी जिम में होता हूँ तो सब लोग बिग बॉस की बातें करते हैं. तो बीच में एक ऐसा दिन आया कि मैंने सोचा कि यार इस संडे ना मैं बिग बॉस देखूँगा, क्योंकि मुझे भी जिम में जाकर अपना भी इनपुट देना है. तो मैंने कोशिश की बट मुझसे नहीं हो पाया. जो एक घंटे का स्लॉट, एक घंटे का होता है, हाँ, जो सैटरडे संडे का होता है, सलमान खान होता है. तो सलमान खान को मैंने देखा, वो तब तक मुझे मज़ा आया, फिर जब नॉर्मल लोगों पर आ गया तो मैं उनको जानता नहीं था, तो मैं रिलेट नहीं. अभी तो शुरुआत है, तो सबकी असलियत धीरे धीरे करके आ जाएगी. एंड मेरा ये मानना है कि अगर आप मुझे ऐसे घर में लॉक कर दोगे, मुझे खाना टाइम पर नहीं दोगे, तो मैं भी कुछ और ही हो सकता हूँ. तो सबका अलग अलग होता है, एंड आई डोंट जज एनीवन. जो उनका जो रूप हम बिग बॉस के हाउस में देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो उनका असली रूप है, और मुझे ये नहीं लगता कि जो वो रियल लाइफ में वो एक्टिंग करते हैं. तो What is your comments about Big Boss? I haven't watched it. मेरे दोस्त हैं, माना हम जानते हैं उन्हें, विकास, जीना, but I haven't watched the show. And हुआ क्या है मुझे बताएंगे आप? नहीं नहीं हुआ नहीं, वो तो होते रहता है. अच्छा, I haven't got a chance to watch it. Also, it comes at the same time as my show. अगर आपको chance मिले तो आपके पास चलेंगे Big Boss में. अगर chance मिलेगा तब देखेंगे, मतलब we'll see how it goes. पता नहीं कहाँ. मुझे क्यों दिखा रहे हो? तो बट वो है, उसका टैलेंट है, क्योंकि ऐसा गाना मैं भी नहीं गा सकता, ये नकुल भी नहीं गा सकता, सुमित भी नहीं गा सकता. तो टैलेंट है, और ये मैं किसी भी किस्म की टैलेंट हो उसकी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ. थैंक यू.